सारे इदा ही स्टेज पर खड़े रहो तो मैं सरबजीत मागड़ मैडम को स्टेज पर बुलाऊँगा तो मैडम का सन्मान है सारे बच्चे ही करेंगे अपने साढ़े च कोई नहीं कर। सत श्री अकाल जी सारे इशमीत अकैडमी के आशकी अकैडमी के इस स्टेज की सैलीब्रेशन एकत्र होए बच्चों के माँ बाप सारे जज साहबान कला के शाह सवार अज के ये बच्चे जो पंजाब का भविख ने सब तो पहला तो सुखनीत बहुत बहुत मुबारक बहुत अच्छा उपराला कर रहे हो तुसी सानू सारियां नू वड्डी मुबारक आज़ादी दी जिहड़े शहीद आजम भगत सिंह वर्गिया ने शहीद ऊधम सिंह वर्गिया ने सानू वर के दित्ती जे आज़ादी ना हुंदी तां असीं बोली की लड़ाई कादी लड़नी सी अज जिहड़ियां असीं होण दीआं लड़ाइयां लड़ रहे हैं ये आज़ादी उन्हां पंजाबियां ने बख्शी सानू अज की आज़ादी दिवस की तुहानू बहुत बहुत मुबारक। उस तो बाद दूसरी मुबारक कि कोविड नू लताड़ के असी सही सलामत सारे अज बैठ के भंगड़े पा रहे हैं गिद्धे माण रहे हैं सो मालिक करे कि खुशियां इस तरह बनिया रहन ते इन्हां बच्चों नू देख के ये लगता है कि पंजाबी सभ्याचार नू जे संभालना है तो असी सारे एकत्र होकर इन्हां बच्चों नू हल्लाशेरी दिंदे रहिए क्योंकि अज बच्चों नू फोक सोंग ते सोंग का अंतर मिट गया पर यह खुशी है कि इन्हां दे सिर ते जदों सग्गी लग जाती है इन्हां दे जदों गहने पै जाते हैं हार हमेलों वाले तो उत्तों कोई शक्ति उतरती है जिहड़ी प्रभ नूर वर्गी इन्नी कमाल की परफॉर्मेंस उस कुड़ी दी जिहड़ी पहले वाले राउंड दे विच फस्ट आई है। ठीक है छोटी जी बच्ची मेरे पास बैठी सी माहिरा शहदे दा नाम है माही इस दी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस सी लड़की दी प्रभ नूर नूं देख के इंज लगदा सी उसने शुरुआत की गड़वा लै दे चांदी का। सो लुधियाने की पैदाइश आ लुधियाने जम्मे आ पले आ पढ़ाई भी इतों की है सारी सो जो असी स्टेज पर कदम रखिया उदों पंजाबी कोरियोग्राफी नहीं सी हुंदी मैं मालिक का शुक्रिया अदा करती हाँ कि उसने तौफीक बख्शी के पंजाबी गिद्धे नूं प्रोफेशनली रिकॉर्ड करने वाली सरबजीत नूं उन्हें सेरा दिता तो नॉन स्टॉप बोलियां दी मैं 9 टेपां कीतियां जिहड़ियां लगातार फिट रहियां और पहली वीडियो जिहड़ी गिद्धे दी नॉन स्टॉप आई गिद्धा मेरी जान कुड़े टी सीरीज़ दे विच जाण वाली पहली फीमेल सिंगर गिद्धे दी सी ये माण गिद्धे दा है सरबजीत मांगड़ दा नहीं है क्योंकि मैं हमेशा कह रही हूँ गिद्धा मेरी जान कुड़े गिद्धा मेरी जान कुड़े। सो ये जिहड़ा होका है उसनूं ये बच्चियां अगे लैके जाणगीआं किन्ना सफ़र तय करके लुधियाने दे आशीर्वाद सदका लुधियाने दी दित्ती पढ़ाई दे सदका क्योंकि मैं पढ़ी भी इत्थों पढ़ाया भी इत्थों और फिर सारे संसार का जो भ्रमण किया जो जो अवार्ड शौहरत दौलत सारा कुछ मिलया वो सारे दे लई केवल तो केवल एक गिद्धा मेरी जान बनिया। सो मैं गिद्धे नूं फड़ के चलदी गई ये सेहरा भी मैनू आया कि पहली कोरियोग्राफी स्टेज पर गड़वा लै दे चांदी का जे मुंडिया साडी टोर तू वेखनी इंद्रजीत हसनपुरी जी का लिखा हुआ गीत तो इंद्रजीत हसनपुरी ही मैनू स्टेज पर लैके आए थे इस कोरियोग्राफी के नाल अज प्रभ नूर ने उसे तो शुरुआत की थी, ते मैं ये लग्या कि बड़ी हिफाजत जोत टिक रही है अगे कि गिद्धे दीआं राणियां होर भी बड़िया आउणगीआं ते इस तरह पंजाबी सभ्याचार नूं संभालणगीआं पर बड़ी ड्यूटी माँ बाप की बन जाती है जदों धीआं स्टेज पर आउंदीआं ने हल्लाशेरी माँ बाप नूं देनी पैंदी है ते उहनां दे आसे पासे खड़ के देखो हमेशा कहंदियां ने कुड़ियां बोली पा के तेरी पुत्तां बरोबर धी वे पर मैं कहनी हां नहीं धीआं धी हुंदीआं ने पुत्त पुत्त हुंदे ने धीआं दीआं अपनीआं जिम्मेवारियां ने पुत्तां दीआं अपनीआं जिम्मेवारियां ने और माँ बाप दीआं दोनों लिंग वास्ते अलग अलग जिम्मेवारियां ने स्पैशली माँ दीआं जे इन्हां दा तन मन तंदुरुस्त करोगे तो तन आपे मिल जाना। सो असी सारे जिहड़े माहौल विच घिर गए हैं उहदे विच बच्चे सिर्फ ते सिर्फ इंटरनेट नूं दोस्त बना रहे ने सो ये उपराले बेहद जरूरी ने घर दे विच तुसीं दादियां नानियां दी रिस्पैक्ट जे असी करना शुरू करांगे तो साढ़े बच्चे उन्हां दी झोड़ियां विचों बड़े अनमोल खजाने लै लैके अगे जाणगे। मैं हर साल गिद्धे दीआं टीमां तैयार करवाउंदी हां ते पहले एक हफ्ता मैं लड़कियां नूं इह दिंदी हां कि अपनी दादी नानी चाची ताई मासी जिहड़ी भी कोई सीनियर जे नहीं है तां कोई गुआंढण जिहड़ी गिद्धे दी मेलण रही है अपने समें विचों उहदे कोलों पंज पंज बोलियां ते इक इक तमाशा लै के आओ उह जिहो जिहा वी हुंदा है बच्चे काम करदे ने इस नाल इक रिसर्च शुरू हुंदी है ये रिसर्च है जिहड़ी एक पीढ़ी दूजी पीढ़ी नूं जेकर अपना जीवन परवाह नहीं सौंपेगी जेकर घरां दे विच सानूं ये लगता कि बुढ़े बजुर्ग ने जिहड़े तां सिर खांदे ने हुण तां असीं गलत आ
साढ़े बच्चे भी साढ़ा सिर ही खाणगे ते असी भी इन्हां दा सिर ही खावांगे क्योंकि उन्हां कोल जो खजाना पिया जे असी संभालांगे नहीं तां टाल मटोल वाली गल है इह जो गलपाल समाऊ कह के गए ने स्टेज दे उत्तों कि जेकर सभ्याचार नूं बचाउणा है तां उन्हां लोकां नूं सांभो जिन्हां कोल सभ्याचार पिया है ते सभ्याचार फिर किते नहीं जाएगा। फिर सानूं इन्हां बच्चों के सिर ते लगी सगी जेकर असी पंजाबी दे विच इन्हां नूं लफ्ज़ां दा उचारण सही सिखा दिता तो साढ़े लिए वड्डी प्राप्ति सवाया हो जाता उस दे नाल बच्चा। सो माँ बाप इस तरह ड्यूटी करके इन्हां धीआं नूं इन्हां पुत्रां नूं शिंगार के स्टेज पर लेके आओ तो सुपनीत होरां दे इस उपराले नूं तुसीं सपोर्ट भी करो जिहड़ी जिहड़ी सपोर्ट दे सकदे हो अपने बच्चों के पेशेंस पैदा कर लोंगे सहनशीलता पैदा कर लोंगे जिहड़ी बेहद जरूरी है। मैनूं खुशी है कि अर्श मांगट अज जजमेंट की सीट पर बैठी है। अर्श भी किसी ना किसी हिसाब नाल मेरे को निकल के गई हुई है। सो अर्श नूं भी मुबारक कि जजमेंट की सीट पर बैठी है। धी पंजाब दी दा अवार्ड इन्हां नूं 2014 दे विच मेरे हत्थों मिलिया सी। वो मुकाबला असीं करवाया सी सोने की सग्गी और बहुत कमाल की परफॉर्मेंस सी अर्श की उत्थे। सो इस तरह जजमेंट की सीट पर भी जेकर योग लोग जाणगे योग्यता एबिलिटी केपेबिलिटी योग्यता बाली जी हॉकी च कितना सम्मान लेके आए ने क्योंकि इन्होंने मेहनत की है। जेकर मेहनतकश लोगों नू मेहनत दे नाल प्राप्त की जिहड़ी योग्यता है उसनू कुर्सी सही मिल जाती है तो योग लोगों की कतार तैयार होंगी है। जेकर मूरली कतार योग होएगी तो किसान मोर्चे लाने की लोड़ नहीं पैनी क्योंकि असी समय सिर जागे होवांगे। जेडे पंजाब नू हुण जाके पता लग गया ना बिसलेरी की बॉटल एक्वा फिना तुसी जदों खरीदते हो चाह दे नाल 20 रुपए 15 रुपए तो जेकर असी पहला देखिया हुंदा कि असी सफेदे नहीं बीजने असी झोने अडोप्ट नहीं करना पर हुण साडी मजबूरियां बहुत ने हुण असी मार्केटिंग लभ रहे हैं अपनी। सो छोटिया छोटिया चीज़ा जेकर मूरली कतार योग हो जाएगी एबल हो जाएगी तो पिछे कोई डिसएबल नहीं होएगा। जदों रौल घचौल पैंदा ना गलत लोगों के हाथ में पावर आउंदी है गलत लोगों के हाथ में कुर्सी आउंदी है जजमेंट अनफेयर हुंदी है बच्चों नाल स्टेज के उत्ते धक्का हुंदा तो फिर तुसीं धक्के नूं जन्म दिंदे हो। जेकर समाज नूं तवाजन विच रखना है तो सुर विच हो जाओ। सुर विच होना यह नहीं कि सुरीला गाउणा ही सुर विच होना अपनी लाइफ नूं ट्यून करना हर हालत दे विच। जेकर साडे पुरखियां दे विचों दसवें गुरु के साहेबजाद्या तो लैके शहीद भगत सिंह के विचकार कोई शहीदी होर इन्नी मायने नहीं रखती। क्यों शहीद भगत सिंह इन्ने पापूलर हो गए क्यों उन्होंने फोटो सारिये 70% कुरबानियों के उत्ते शहीद भगत सिंह की फोटो लगती है तो रीज़न ये है कि इमोशनली वह बच्चा बचपन तो ही कह रहा है कि दमुखा बीज रहा मैं गोरियां नूं कढ़न वास्ते क्योंकि एक कल्चर से उसके घर के। सो इस करके यह सारिया चीज़ों के उत्ते पहरा देने दे लई सानूं एक सुर होना पैना। पुराने लोग हवा के रुख तो पहचान लेंदे सी कि 10 दिनों बारिश आ जाएगी। असीं अज दिन विच फोरकास्ट कढ़दे हां वैदर की कई बार रोंग भी हो जाती है उत्थे किन्ने साइंटिस्ट बैठे ने पर वह बजुर्गों नूं पता सी क्योंकि उन्होंने जिंदगी मुड़के दे नाल हंडाई सी। वह हल वाहुंदे सी या कोई किसानी दे नाल नाल कोई लोहारा सी कोई तरखाना सी कोई घुम्यारा सी जाता नहीं सी इह उन्होंने प्रोफेसन उन्होंने एबिलिटी के अकॉर्डिंगली वंड दिते गए सी। सो इस करके अज सानूं सारिआं नूं थोड़ा जिहा एजुकेशन पक्षों बराबर बराबर थ्योरी दे नाल ओ प्रैक्टिकल लाइफ दे विचों भी चंगीआं गल्लां चुकणीआं पैणीआं ने तां जाके फिर असीं एक जीवन जाच पैदा करांगे जिहदे नाल साडे बच्चे सुर विच होणगे असीं सुर विच होवांगे ते फिर रोटी अद्धी डेढ़ दो ढाई कोई फर्क नहीं पैंदा उहनूं खा के आनंद लैणा ते खा के उहतों कम की लैणा कि अगे किन्ने लोकां नूं होर कम मिले किन्ने होर लोकां नूं रोटी मिले। एक मुट्ठी कणक दी सारे परिवार नूं रजा दिंदी है। जेकर इको गेड़े तुसीं उहनूं पीस लो ना तो इको पेड़ा बनेगा पर एक मुट्ठी नूं बीज दिओ वह क्यारा बन जूगी वह क्यारे चों इक्कड़ पैदा हो जूगा। सगो सारे तुसीं सूझवान हो आओ बीज बीजिए सोहणे सोहणे ताकि ये बच्चे ने जिहड़े साडे भविख नूं सुरक्षित करन ते कोई बाड़ा वड्डा वादा करन जो कि मैं है नहीं मैं तो अपनी तौर जी नाल तुरदी कदे मस्ती नाल कदे बैठ के कदे उठ खड़ी इहो जिहा सुभा है मेरा पर मैं एक वादा करदी हाँ कि सुपनीत होरां नाल आउण वाले दिनां विच मैं गिद्धे दे फील्ड नूं लै के एसोसीएट करांगी इन्हां दी अकैडमी दे विच ही या कोई वेन्यू होर भी होएगा पर मतलब उहदे लई मेरे वल्लों पंजाबणां नूं निमंत्रण है किसी भी उम्र दीआं पंजाबणां जिन्हां नूं इह लगदा
कि असी अपने आर्ट की अपने फन की कंडीशनिंग करनी चाहते कोई भी फन है थोड़े विच चाहे तुसी एंकर बनना चाहते हो तुसी एक्टर बनना चाहते हो तुसी डांसर बनना चाहते हो तुसी लाइफ दे विच कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो क्योंकि साडे कोल एक बकायदा लोगों का काफिला है जिदे विच तुहानू जिंदा लाइब्रेरियां नाल मिलवा सकते हैं असी कि प्लेयर बनिया तो किवें बनिया मैडीटेशन वाला मैडीटेशन करके एक प्रवक्ता किवें बनिया बोलना किवें है सो समय नू सद उपयोग करना और जिदा तो मेरे को है ही है मेरी फुलकारी जो भी किसी कुड़ी सिर पर सगी लगती है मैं अपना आप वो नज़र आता कि यह मेरी छोटी भैन है ये मेरी धी है मैं इन्हों की वड्डी हाँ जो भी है एक परिवार है कला एक कुनबा है सो बहुत अच्छा एक शेयर है मैं अक्सर पढ़ती हाँ उसनों कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना मैं तो गूंगा था कि गुफ्तगु तूने सिखाई अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना सो ये असर बनिया रवे इस असर को लैके मैं सुखनीत होर नाल कोई जॉइंट वेंचर करांगी आने वाले दिनों दे विच तुहानू पता लगता रहेगा सो तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद तुहानू सारिआं नू शुभकामनावां शुक्रिया मेहरबानी सत श्री अकाल जी